Press the subscribe button and hit the bell icon for more Bollywood updates. रजनीकांत अक्षय कुमार स्टार फिल्म रोबो 2.0 जो कि 29 नवंबर को पूरे देश भर में रिलीज हो चुकी थी। दोस्तों आपको बता दें कि इसको वर्ल्ड वाइड भी रिलीज किया गया था। टोटल 15,000 स्क्रीन्स पर इसे रिलीज किया गया था और सभी ने इसको बेहद प्यार दिया। और आपको बता दें कि अक्षय कुमार के कैरेक्टर को काफी ज्यादा सराहा पूरी पब्लिक ने। आपको बता दें दोस्तों कि अब इसको लगे हुए 6 दिन हो चुके हैं, आज ये सिनेमाघरों में अपना 6ठा दिन बिता रही है। दोस्तों आपको बता दें कि अभी तक 5वें दिन तक इसका कलेक्शन 550 करोड़ तक हो चुका है। जी हां दोस्तों आपको बता दें इसने मंडे को हिंदी बेल्ट से 15 करोड़ की कमाई करते हुए अपने 100 करोड़ का आंकड़ा पार कर दिया है हिंदी बेल्ट के अंदर। और वहीं पर अगर हम बात करें पूरे वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की तो 75 करोड़ का कलेक्शन इसने वर्ल्ड वाइड किया मंडे को, और उसके बाद आज ट्यूजडे को इसका कलेक्शन काफी ज्यादा होने वाला है। और आपको बता दें कि ये ऐसी पहली फिल्म बनने वाली है जो कि अपने 6 दिन के अंदर 600 करोड़ का आंकड़ा पार कर चुकी है। आज के दिन यानी कि 6ठे दिन भी ये अपना हिंदी बेल्ट के अंदर 12 से 13 करोड़ रुपए की कमाई जरूर कर लेगी। और अगर बात करी जाए तमिल और तेलुगु सिनेमा की तो वहां से भी ये 20 करोड़ का आंकड़ा पार करेगी। और इसके वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की अगर हम बात करें तो ये 30 करोड़ तो होगा ही। आपको बता दें दोस्तों कि इसका कलेक्शन 650 करोड़ माना जा रहा था, लेकिन अगर सैटेलाइट राइट्स ऑफ फिल्म राइट्स को मिलाकर इसका कलेक्शन अब तक देखा जाए तो ये 1200 करोड़ हो चुका है। दोस्तों ये बहुत ही ज्यादा शानदार है और इसने अपना बजट एक ही बार में निकाल दिया है। दोस्तों आप लोग कितने एक्साइटेड हैं इस फिल्म के लिए कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और अगर आपने ये फिल्म देखी है तो आपको ये फिल्म कैसी लगी और आपको क्या लगता है कि ये आगे कितने और रिकॉर्ड बनाने वाली है। दोस्तों अगर आपको ये न्यूज़ अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ और लाइक कीजिए इस वीडियो को, सब्सक्राइब करो बॉलीवुड जंक्शन को ताकि आपको मिले बॉलीवुड की हर खबर सबसे पहले। Press the subscribe button and hit the bell icon for more Bollywood updates.